मैं आपको दिखाऊंगी कि लास वेगस में क्या क्या हुकूमत But I don't know how Cause every time I bump right into you I get all tongue-tied Want you to know me But I'm चैनल देसी गर्ल इन यूएस। तो आज हमारा ट्रिप का थर्ड डे है। यस, तो यानी हमारे ग्रैंड कैनियन का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है और अब हम ये ब्यूटीफुल सा घर छोड़ के जा रहे हैं। यू नो, यहाँ पे हम दो दिन रुके और इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। हैव टू लीव नाउ। यहाँ का चेकआउट टाइम 10 बजे का है, तो 10 बज गए हैं, तो हमें निकलना है लास वेगस। यस, वी आर गोइंग टू लास वेगस नाउ। एंड अब हमने जो किचन में गंद मचाई थी वो हमने साफ कर दी है, क्लीन कर। बाहर देख सकते हैं बाहर का वेदर यहाँ का कैसा हो रहा है, और हमारी गाड़ी भी रेडी है सामान के साथ। बस अब हम निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि लास वेगस में क्या क्या मस्ती करने वाले हैं हम, और यहाँ से ग्रैंड कैनियन से लास वेगस का रोड ट्रिप कैसे होने वाला है। तो फाइनली मैं आपको मिलती हूँ लास वेगस। एक्सीडेंट हो गया है लास वेगस के रूट में। चलो चेक करते हैं क्या हो रहा है, और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको कैसे हैंडल करते हैं और क्या हुआ है। अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है अच्छा खासा। के पर एक गाड़ी चढ़ी हुई थी, इतने सारे लोग रोड पे हैं। हो, हेलीकॉप्टर तक आया हुआ है भाई। ओहो, गाड़ी देख रहे हो क्या हुआ है, ये बंदे के लेके जा रहे हैं स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर बुलाया गया। यस, यहाँ पे पेशेंट को हेलीकॉप्टर से लेके जाएंगे बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत दूर है। और पीछे तक इन्होंने ट्रैफिक रोका हुआ था, पूरा जो रोड ब्लॉक था एक साइड का। तो गाइस हम लास वेगस पहुंच चुके हैं। उससे पहले हमें ये स्ट्रीट दिखी जहाँ पर बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं, बड़े बड़े। नो, लास वेगस में आपको ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स दिखने को मिलेंगी, बट उससे पहले हमें ये घर दिखे हैं जो काफ़ी बड़े एरिया में, और यू नो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो रिच लोग हैं उनके घर हैं। तो मैंने कहा चलो ये आपको दिखाते हुए चलते हैं और खुद भी देखते हैं। फाइनली हम लास वेगस आ चुके हैं। जो आप ये होटल्स देख रहे हैं लास वेगस की स्ट्रिप है जहाँ पे हम जाएंगे, ये मेन स्ट्रिप है। यहाँ पे सारे बड़े बड़े होटल्स और यू नो कैसीनो एवरीथिंग, यहाँ पे जो फन है वो इसी स्ट्रिप पर होता है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये सारा फन दिखाने वाली हूँ, तो मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। तो गाइज हमें हमारे जो होटल का चेक इन टाइमिंग है वो 4 बजे का है और हम जल्दी पहुँच गए, तो इसलिए हम एक होटल में पार्किंग कर रहे हैं जो कि फ्री पार्किंग है, और वहाँ पे हम वहीं से खाना वाना खा के फिर बाद में हम होटल चेक इन करेंगे, और वो मैं आपको अपना होटल भी दिखाऊंगी। गाइस हम पार्क कर चुके हैं फ्री पार्किंग में, और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ और फिर वहाँ पे हम खाएंगे खाना।
are you feeling? Huh? How are you feeling? तो गाइस ये लास वेगास का होटल है ट्रेजर आइलैंड। यस ये भी बहुत अच्छा होटल है। हर होटल की यहाँ पे अलग स्पेशलिटी है। यहाँ पर सर्कस होता है और ये बेसिकली पायरेट्स ऑफ कैरिबियन टाइप की थीम पर बना हुआ है। अब हम इस होटल के थ्रू बाहर निकलेंगे और हमारा प्लान है कि किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने का, बिकॉज पापा इंडियन खाना खाते हैं। तो हम जाएंगे और इंडियन खाना खाएंगे। और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी कॉस्टली होते हैं बट अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। गाइस हर होटल में उनका अपना कैसीनो होता है, दैट्स व्हाई ऑफर करते हैं फ्री पार्किंग ताकि लोग आए उनके होटल से निकल के जाएं और वहीं पे अट्रैक्ट होके उन्हीं के कैसीनो में खेलें। आप देख सकते हैं पापा कितने खुश लग रहे हैं यहाँ की जगमगाहट देख के। लास वेगास है ही ऐसा, यहाँ पे आके हर कोई खुश हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे गैम्बलिंग ही करें, बट यू नो लाइटिंग्स और यहाँ का जो पूरा एक माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। गाइज जो यहाँ का बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है वो बंद हो गया है, बिकॉज यू नो हमें बाहर निकलते निकलते 4 बज गए थे। इसलिए हम दूसरे इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं वो कैसे हैं, बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं है। तो गाइज फाइनली हमें इंडियन रेस्टोरेंट ओपन मिल गया, बिकॉज डिवाइन डोसा क्लोज था। अब हम यहाँ पर आए कबाब पैलेस में, यहाँ पे हमें फाइनली खाना मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, हम चेक करके मैं आपको बताती हूँ। गाइज यहाँ पे पानी कोल्ड ड्रिंक स्पेशली पानी भी यहाँ पर होटल्स में आपको फ्री नहीं मिलता है। आपको बोतल लेनी होती है, आप देख सकते हैं हमने बोतल खरीदी है। गाइस खाना आ चुका है, हमने खाना ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर दाल चावल एंड रोटी। हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न था कि रोटी हमें यू नो ऐसे पैक्ड रोटी ना हो, प्रॉपर फ्रेश बनी हुई रोटी हो। तो यस द नान फ्रेश थे।